नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज मैं बात करने जा रहा हूं शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में। पठान फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचने वाला है। दर्शकों के मन में इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह है और दर्शक एक नए गेटअप, एक नए लुक में फिर से शाहरुख खान को देखने वाले हैं। फिल्म पठान कई कॉन्ट्रोवर्सी और कई विवादों के बाद भी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ गया और फिर से एक बार ये जवान नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आप लोगों के बीच आने वाला है। 250 करोड़ के बड़े बजट की ये फिल्म रिलीज के पहले ही हफ्ते 250 करोड़ पार कर जाएगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। शाहरुख खान एक नए गेटअप में, 7 नए गेटअप में इस फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडली कुमार, साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की हीरोइन भी इसमें एक शामिल हुई है नई, दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, शाहरुख खान इस फिल्म को 4 चांद लगा रहे हैं। इस फिल्म में एक्शन थ्रिलर भरपूर है, नए लोकेशन और नए अंदाज में बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये फिल्म आप लोगों के बीच रिलीज होकर आएगी। इसका एक छोटा सा ट्रेलर आप लोगों के बीच रिलीज हुआ है और फिल्म को पूरे विस्तार से देखने के लिए, इसको समझने के लिए 7 सितंबर का इंतजार करें। देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म पठान की सफलता के बाद शाहरुख खान की नई फिल्म जवान फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि इसमें शाहरुख खान 7 नए गेटअप में नजर आएंगे। इस फिल्म में संजय दत्त, दीपिका पादुकोण और साउथ की नई हीरोइन नैना को भी कास्ट किया गया है। मनोरंजन और एक्शन से भरपूर इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। 250 करोड़ के बजट की इस फिल्म की प्रोड्यूसर खुद गौरी खान है। साउथ फिल्मों के फेमस डायरेक्टर एडली कुमार ने इसको डायरेक्ट किया है। 7 सितंबर 2023 को यह रिलीज होगी। नया प्रयोग है, नया लोकेशन है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिलीज के पहले दिन ही 250 करोड़ कमाई हो जाएगी। एडीबी न्यूज 7 के लिए जफर साजिद की यह रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर पर लाइक फॉलो शेयर करते रहें।